अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इस्माइल है और मेरे साथ इस वक्त अजमील से लायक और काशिफ खड़े हैं। और बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है, विकास हमारे एक बहुत ही करीबी दोस्त, एक दिलजीज दोस्त की शादी है जिसका नाम है यासीन। यासीन यासीन की शादी के लिए हमारी आंखें तरस गई थी लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली स्टार्ट हो गई है, बल्कि फाइनली हो गई है और हम जा रहे हैं वलीमा के लिए। तो आप लोगों ने साथ रहना है क्योंकि इस दिन के लिए हमने बहुत इंतज़ार किया है, बहुत ज़्यादा तैयारी की है, बहुत तैयारी की है। और यासीन अगर इस वक्त ये व्लॉग देख रहे हैं तो यासीन आपको पता होगा वो रात को देर तक बातें करना, डिस्कशन करना, क्या करे क्या ना करे। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रॉपरली, चलते हैं, पूरे व्लॉग को देखना है और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करना है और यासीन को भी आज देखना है हमने। चले चलो अजमेर। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? लाइक यासीन बेटा होता था, डिस्कशन चल रही होती मेरी शादी कब होगी वो चीज़ ख़त्म हो गई है। अब आप मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बारे में बात तो चलिए अब हम अजमेर के बारे में बात स्टार्ट कर लेंगे। यासीन का बड़ा ज़बरदस्त टाइम गुजरता था। हाँ, तो अब आप कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि वो मर्द बन गया है, मर्द का बच्चा, कुछ तैयारी करें मेरे बारे में, सोचें कुछ, फिक्र गौर फिक्र करें। वैसे मैं बुरा नहीं मानूंगा अगर आप मेरी दूसरी शादी के बारे में बात करें काशिफ। तो चलिए अब आप लोगों के बारे में बात स्टार्ट कर लेंगे। यासीन तो निकल गया दरमियान से, बस चले चलिए। भाई कुर्बानी का जो मुर्गा है, कुर्बानी का मुर्गा होता है या बकरी, बकरी सामने खड़ी है, बकरा बकरा ठीक ठाक बखेरा नहीं मजा जल में उतरा है। बहुत ज़्यादा बिजी है और आई नो कि राइट नाउ ये बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन इंटरनल का हमें आइडिया नहीं है कि बंदे की इंटरनल सिचुएशन क्या है। ये वो इंसान है जिसकी हमने सारे रास्ते गाइबत की है और चले बाकी ये भी पहुंच जाए मिल। काशिफ बोल रहा है कि हम शायद जल्दी पहुंचे हैं, मैं कहा बेबी दिस इज़ पाकिस्तान, हम एक घंटा लेट पहुंचे हैं लेकिन हाल खाली है कम्प्लीटली सही दिस। जी ऐसे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त अच्छा लग रहा है? वो तो आपको पता होगा, इस वक्त भी अच्छा लगेगा, बाद भी अच्छा लगेगा। अगर आपको बाद में नहीं अच्छा लग रहा इसका मतलब है कि बाद में थोड़ा सा मसला होता है जो कि इस व्लॉग में हम नहीं बता सकते लेकिन फिलहाल के लिए जो शादी का टाइम होता है ना बहुत मज़ा आता है। तो खुश हो? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़्यादा।
अल्लाह करे कि ये खुशी हमेशा के लिए हमेशा के लिए ये खुशी रहे, और दुआ है कि न सिर्फ यासीन बल्कि बाबी भी हमेशा के लिए उनके साथ खुश रहे। ये दुआ है और दिल से है, क्योंकि इंसान का जब अपना घर कंप्लीट होता है ना तो उसको बाहर की चीज़ों में फिर मज़ा आता है, अदरवाइज नो। जी प्लेट पे देखे, मैं इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। प्रोग्राम हो गया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी अच्छा रहा, खाना बहुत ज़बरदस्त था, और मैंने लोबिया काफ़ी शौक़ से खाया लोबिया, और यू नो बाकी वगैरह सब कुछ बहुत मज़े का था। केक मैंने बहुत ज़्यादा खाया, केक जो था वो पिरनी हुआ कसम कस्टर्ड, हाँ कस्टर्ड, कस्टर्ड भी काफ़ी ज़बरदस्त था। खाने की तारीफ़ इसलिए कर रहा हूँ कि फिर यासीन को पता चले कि भाई मैंने खाया है, दिल से खाया है, खुशी से खाया है, और उसका टेस्ट अभी भी जायका जो है वो मेरे मुँह के अंदर है। इस व्लॉग को वाइंड अप करते हैं। यासीन मेरे लिए दूसरी शादी का बंदोबस्त कर लो, मुझे गाड़ी चाहिए। इसी के साथ व्लॉग को वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ मुलाकात होती है। प्रोग्राम काफ़ी अच्छा रहा, यही दुआ है, दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला यासीन और बाबी को खुश रखे ताउमर, और अल्लाह करे उनको लंबी ज़िंदगी मिले, और यही दुआ है। और इस दुआ के साथ इस व्लॉग को वाइंड अप करते हैं, नए व्लॉग के साथ मुलाकात होती है, अल्लाह हाफिज़।